लास्ट लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई कुछ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या है, डेक्स्ट्रोरोटरी का मीनिंग क्या है, लीवोरोटरी का मीनिंग क्या है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर क्या है, एंड हाउ काइरलिटी इज रिलेटेड विद यू नो ऑप्टिकल एक्टिविटी. सो काइरलिटी इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन टू बी ऑप्टिकली एक्टिव. पेयर ऑफ इनेंशियोमर की डेफिनेशन पढ़ा, ऐसा कुछ पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स हम लोग पढ़ रहे थे, एंड रेसमिक मिक्सचर उसे लास्ट में हम लोगों ने स्टार्ट किया था. मैसो कंपाउंड, मैसो कंपाउंड में वो सब देख लिया था कि बच्चे हम लोगों ने कि किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होना जरूरी है इस मॉलिक्यूल में. हाँ सर, वो वाला पार्ट हाँ किया था। सर, किया था. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का एग्जाम्पल भी चेक कर लिया था, उस सेंटर ऑफ सिमेट्री का एग्जाम्पल भी चेक कर लिया था शायद, ऐसा. चलो बढ़िया, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैसो कंपाउंड से. थोड़ा सा और थियरी है रिलेटेड टू मैसो कंपाउंड. We'll see something known as excess of symmetry. Then we'll do some questions based on this. और कल मॉर्निंग में फिर से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ से. ठीक है. सो एज पर मैसो कंपाउंड इज कंसर्न, दे शुड कैरी सम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. आइदर दे शुड हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री और दे शुड हैव सम सेंटर ऑफ सिमेट्री. अब थोड़ा सा मुझे जल्दी से ये बताने की कोशिश करो कि ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो हम लोग 3D मॉलिक्यूल में देखेंगे या किसी 2D प्रोजेक्शंस में भी देख सकते हैं. सो दिस POS प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड दिस COS सेंटर ऑफ सिमेट्री शुड बी चेक्ड इन 3D स्ट्रक्चर. मैं समझाता हूं क्या मीनिंग है इसका. शुड बी चेक्ड इन 3D स्ट्रक्चर एंड नो नॉट इन 2D प्रोजेक्शंस. नॉट इन लेट्स से 2D प्रोजेक्शंस. फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं यहां तीन एग्जांपल बता देता हूं, मुझे ध्यान से देखना तीनों एग्जांपल. Suppose if I have, let's say, this CS3 coming outward, this H going inside the surface of board, and let's say this CS3 coming outward, H going inside the surface of board. क्या इसमें कोई plane of symmetry है क्या? बड़े इसमें कोई plane of symmetry है? मेरा आवाज तुम लोगों को तक आ रहा है? Yes. तो इसमें क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम लोगों से. बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं इसमें. सपोज एक तो मैं यही वाला प्लेन ड्रॉ कर सकता हूँ. दिस विल बी नथिंग बट लेट्स से POS, इट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री. और यह है भी प्लेन ऑफ सिमेट्री. हेयर इफ यू सी कि भाई इस प्लेन के राइट में जैसा ये मॉलिक्यूल का हाफ है, Do you think exactly left में भी क्या वैसा ही half है? हाँ सर. तो इसको हम लोग POS बोल सकते हैं. तो ये 3D मॉलिक्यूल में हम लोग POS बोल सकते हैं. ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव. ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ये कंफर्म है ना? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. नाउ सपोज इफ वी सी एनी मॉलिक्यूल ऑफ लाइक दिस, this may be let's say CS3 and Cl and H, and this may be CS3, it is Cl and it is H. Newman projection किसी एक molecule का हम लोगों ने समझ लिया है. तो इस Newman projection में क्या ये plane POS है क्या, plane of symmetry? क्या ये molecule POS है क्या, plane of symmetry? देखो चेक भी करने के लिए इसको हम लोग कुछ ऐसा ड्रॉ कर ले. दिस विल बी CH3 एंड सपोज द Cl कमिंग आउटवर्ड, दिस H गोइंग इनसाइड द सरफेस ऑफ बोर्ड, दिस विल बी नथिंग बट लेट्स से CH3 एंड द Cl कमिंग आउटवर्ड एंड लेट्स से दिस H गोइंग इनसाइड द सरफेस ऑफ बोर्ड. क्या यही स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड का? और
और शायद हम लोग इस प्लेन की बातें कर रहे हैं, यही प्लेन है ये, दो कार्बन के बीच में। तो बच्चे क्या ये प्लेन प्लेनोसिमेट्री है? इस मॉलिक्यूल के लेफ्ट में जैसा है मॉलिक्यूल के, क्या राइट में भी वैसा ही है? नो सर, नहीं है ऐसा। ऑल दो मेरे पास ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो सकता है 2D प्रोजेक्शन में, भाई 2D प्रोजेक्शन में मुझे कैसा दिख सकता है कि जो ऊपर वाला हाफ है वो एग्जैक्टली नीचे जैसा हाफ है, बट एक्चुअली 3D में नहीं है ना, बट सर एक्चुअली किसमें? पर अंदर जा रहा है ना ऊपर वाला, और नीचे वाला सीएल बाहर आ रहा है, तो किस वाले केस में बेटा? 2D प्रोजेक्शन में उसमें भी, तो फिर उसमें भी सिमेट्रिक तो नहीं है ना। किसमें किसमें? 2D में? नहीं, मतलब जैसे अगर मैं सपोज 2D में सिर्फ प्लेन देखने की कोशिश करूं, सपोज है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एक सीएल यू नो जितना उस प्लेन से ऊपर है उतना ही दूसरा क्लोरीन उस प्लेन से नीचे है। हाँ सर, वैसा देख के तो लगता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑल्दो ये देख के लग सकता है 2D प्रोजेक्शन में, बट एक्चुअली में कंपाउंड में POS नहीं है ना, एक्चुअली कंपाउंड में POS नहीं है। तो ये जो POS है ये प्लेन POS नहीं है एक्चुअली 3D मॉलिक्यूल में, है ना। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? हाँ बेटा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव एक्टिव भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो थोड़ा सा फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जब भी मुझे ये POS या COS देखना है, मुझे 3D मॉलिक्यूल में चेक करना है, मुझे 3D मॉलिक्यूल में चेक करना है, 2D प्रोजेक्शन में नहीं। बेटा उस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। आई क्रिक अनादर एग्जाम्पल, सपोज से COH एंड इट इज COH, इट इज लेट्स से OH एंड OH, इट इज H एंड H। क्या तुम लोग मुझे लास्ट क्लास के नॉलेज से, लास्ट क्लास के नोट से बता सकते हो कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ग्रीन वाला? इनएक्टिव लास्ट क्लास के नोट्स पढ़ के बता सकते हो क्या कि ये कंपाउंड एक्टिव है कि इनएक्टिव है? हम लोगों ने टार्ट्रिक एसिड के 3 डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे, कहीं इसका मिरर इमेज इसके जैसा होगा कि नहीं होगा? भाई जब दोनों OH सेम साइड पे होते थे, जब दोनों OH सेम साइड पे होते थे तब वो इनएक्टिव था। यस सर, ये एक्टिव ये एक्टिव है ना, ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। आर कैच बन मतलब जैसे इसमें या तो दोनों ही कायरल कार्बन आर हो जाएंगे गया। या दोनों ही कायरल कार्बन एस हो जाएंगे, है ना? कुछ पढ़ा है बेटा ऐसे लास्ट क्लास के नोट्स में भी? अच्छा, तो मतलब ऐसा धोखे से भी जब क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसा नहीं समझने की कोशिश करना है कि भाई देखो इस मॉलिक्यूल में तो मेरे पास यहाँ यू नो COS था, क्योंकि जितना जैसा ये इस पॉइंट के ऊपर है वैसा ये इस पॉइंट के नीचे है, तो ये बच्चे COS नहीं है, है ना? इस पॉइंट को मैं COS नहीं बोल सकता हूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री में इसको नहीं बोल सकता। मतलब इसमें COS नहीं है, ऑल्दो 2D में मुझे ऐसा विजुलाइज हो सकता है 2D प्रोजेक्शन में, बट वो गलत है। हाँ बच्चे, क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ यस सर, लिख के भी हो गया है क्या? समझा समझ लिया कि नहीं, पहले ये बता दो मुझे भाई। सर। डॉक्टर
तो हम लोग ने समझ लिया कि भाई अगर मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा बेटा? इनएक्टिव होगा, और वो हम लोग को 3D मॉलिक्यूल में चेक करना है, वो 2D प्रोजेक्शन में नहीं। ठीक है? आई होप ये लिख भी लिया है तुम लोगों ने अब, जाए ना? चलो बढ़िया। नेक्स्ट में यू नो रेसमिक मिक्सचर, एक ऐसे से टर्म लिख सकते हैं हम लोग इसी में, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर, और इसको मैं बोल सकता हूं ऐसा एक्सटर्नल कंपनसेशन, बट मैसो कंपाउंड इज यू नो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरनल कंपनसेशन। रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर और एक्सटर्नल कंपनसेशन, बट मैसो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू यू नो इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरनल कंपनसेशन। इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जैसा सपोज अगर मैं कोई दो कंपाउंड्स ऐसे ले लूं, दिस मे बी CH3, दिस मे बी COH, इट इज OH एंड H, एंड अनदर कंपाउंड मे बी लेट्स से इट इज OH एंड इट इज CH3 and it is H and it is COH. So, एक let's say मेरे पास कुछ ये mixture है, ना? एक let's say मेरे पास ये equimolar mixture हो सकता है, और suppose दूसरा वाला जो compound है, मेरे पास बस simply ऐसा हो सकता है, it is CH3 and CH3, it is H and H, it is COH and it is COH. दूसरा वाला बस एक compound ही है मेरे पास। फर्स्ट वाले केस में ये लेट्स से मेरे पास रेसमिक मिक्सचर हो सकता है, अगर मेरे पास इक्यूमोलर मिक्सचर है ये, और ये जो कंपाउंड है इट मे बी मैसो कंपाउंड। यहां मेरे पास काइरल कार्बन है, यहाँ काइरल कार्बन है, यहाँ काइरल कार्बन है, और यहाँ काइरल कार्बन है। ये सपोज अगर डी है तो ये पक्का पक्का एल होगा, एग्जैक्टली उतना ही है ना, एग्जैक्टली उतना ही। और मैं इसमें ऐसा हाइपोथेटिकली इमेजिन कर सकते हैं क्या, विद इन द सेम मॉलिक्यूल हम लोग डी एंड एल नहीं चेक कर सकते, बट सपोज हाइपोथेटिकली ऐसा इमेजिन कर सकते हैं क्या, एक काइरल कार्बन ने जितना डी रोटेट किया होगा दूसरे वाले काइरल कार्बन ने उतना एल रोटेट कर दिया होगा, लेट्स से? हाँ सर। तो दोनों के दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है बट ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट रीजंस। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को टर्म? यस। जल्दी से इसको लिख डालो। तो एक इंट्रामॉलिक्यूलर कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और एक यू नो इंटरमॉलिक्यूलर कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वो सेम कंपाउंड है कि डिफरेंट कंपाउंड? पेयर ऑफ इनेंशियोमर सेम कंपाउंड है कि डिफरेंट कंपाउंड? डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड नहीं होने चाहिए, वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड।
और दोनों के अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग है तो पक्का पक्का डिफरेंट कंपाउंड्स भी है ना। हाँ, तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या बच्चे फिर से बोलो सर, वो डेफिनेशन आपने लिखा था ना वो? जो अभी लिखा हुआ था ये जल्दी से लिखो बेटा, तुम लोग का स्कूल अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा ना, आज से नहीं था ना स्कूल? नहीं सर, नेक्स्ट वीक। तुम लोग के साथ जो नॉन इंटीग्रेट वाले बच्चे आते थे वो आज आए नहीं, तुम लोग का स्कूल नहीं होगा ना आज, क्या होगा? डीपीएस तो बंद है ये मुझे पता है, डीपीएस की छुट्टियां चल रही हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं भाई, या इससे रिलेटेड ही मैं एक टर्म और लिखा देता हूँ। अच्छा, जो पेयर ऑफ एनेंशियोमर है वो अलग अलग कंपाउंड्स है, तो उनको हम लोग किसी टेक्निक से अलग अलग कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते? सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रिस्टलाइजेशन से नहीं कर पाते हैं, बट किसी ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट से रिएक्शन करा के थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से हम लोग कर पाते हैं। तो यू कैन से पेयर ऑफ एनेंशियोमर, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स आर यू नो रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल का मतलब क्या है? वो अलग अलग किए जा सकते हैं ना, बट मैसो कंपाउंड, मैं ऐसा बोल सकता हूं मैसो कंपाउंड और उसका मिरर इमेज तो पक्का एक ही कंपाउंड है, उनको क्या अलग अलग किया जा सकता है? बट मैसो कंपाउंड इज नॉन रिजॉल्वेबल। पेयर ऑफ इनेंशियोमर जो दो अलग कंपाउंड है उनको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, नॉट विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रिस्टलाइजेशन, बट किसी ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट से हम लोग रिएक्शन करा लेते हैं, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर अलग अलग कर लेते हैं और फिर रिएक्शन को वापस कर लेते हैं, ऐसी कुछ कहानी है ना, बट दे आर रिजॉल्वेबल। मैसो कंपाउंड और उसका मिरर इमेज एग्जैक्टली एक जैसे कंपाउंड है तो वो नॉन रिजॉल्वेबल है। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो ब्लू में लिखा है वो समझ में आ रहा है? यस यस, लिख के हो गया है इतना? यस यस, वेरी गुड। सो द अनदर टॉपिक इज एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इसमें बहुत ज्यादा लिखने का नहीं है, सीधे ही हम लोग एग्जाम्पल समझ लेंगे। जैसा सपोज इफ वी हैव एनी मॉलिक्यूल एज BF3, बड़ा BF3 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। BF3 का जो स्ट्रक्चर है, डू यू थिंक कुछ ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है कि नहीं? Yes. BF3 is going to be, you know, trigonal planar geometry. अच्छा, इस पूरे मॉलिक्यूल को अगर मैं इस एक्सेस के अबाउट 360 डिग्री रोटेट करूं, इस पूरे मॉलिक्यूल को अगर मैं इस एक्सेस के अबाउट 360 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये कितनी बार एक जैसा सा दिखेगा मुझे? इसको 360 डिग्री रोटेट करने पे इस एक्सेस के अबाउट कितनी बार मुझे एक जैसा सा दिखेगा ये? दो बार भाई, हर 180 डिग्री पे वो एक जैसा बन जाएगा? अरे ऊपर वाला फ्लोर ही नीचे आ जाएगा ऐसा? तो
इसको मैं बोल सकता हूं इट हैज सी टू, इट हैज सी टू एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इट हैज सी टू एक्सेस ऑफ सिमेट्री, और इसको मैं बोल सकता हूं इट हैज टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री. सिमिलरली सपोज अगर मैं इस एक्सेस के अबाउट, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इस एक्सेस के अबाउट 360 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये कितनी बार एक जैसा दिखेगा? जल्दी से बता दो भाई. तीन बार हर 120 डिग्री पे वो वापस वैसा बन जाएगा. हर 120 डिग्री रोटेशन पे एक फ्लोरीन मेरे डायरेक्शन में आ जाएगा कि नहीं? यस. सो इट हैज सी थ्री एक्सेस ऑफ सिमेट्री. सी थ्री एक्सेस ऑफ सिमेट्री हाँ, ये अब समझ लिया कि ये सी टू सी थ्री का मीनिंग क्या है. सी टू का मतलब ये है कि ऑन रोटेटिंग 360 डिग्री वो मॉलिक्यूल दो बार मुझे एक जैसा दिखेगा. सी थ्री का मतलब है ऑन रोटेटिंग 360 डिग्री वो मॉलिक्यूल मुझे तीन बार एक जैसा दिखेगा. अच्छा, ये समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को, क्या है सी टू और क्या है सी थ्री? Yes. चलो फिर मुझे एक एग्जाम्पल तुम लोग करके दिखाना अभी. दिस मे बी सपोज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से बेंजीन रिंग. लेट्स से इट इज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से बेंजीन रिंग. अगर इस बेंजीन रिंग को मैं इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करूंगा तो कौन सा एक्सेस ऑफ सिमेट्री है ये? जल्दी से बता दो भाई. रेड वाला क्या है? रेड वाला क्या है? एक्सेस ऑफ सिमेट्री है. और ये ग्रीन वाला क्या है? सी थ्री सिक्स ही होगा ना. सी टू भाई. अरे प्लेनर स्ट्रक्चर है ना भैया. अगर ये स्ट्रक्चर प्लेनर है तो 180 डिग्री रोटेट करने के बाद ही मुझे वो वैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? Yes. भाई तुम लोग गलत कर रहे हो. देखो ये सब बहुत आसान आसान चीजें पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से. सेम सपोज इफ इट इज CH4, इट इज हाइड्रोजन. लेट्स से दिस हाइड्रोजन कमिंग आउटवर्ड एंड दिस हाइड्रोजन गोइंग इनसाइड द सरफेस ऑफ बोट. अगर मैं इस एक्सेस की बातें करूं अभी तो ये कौन सा एक्सेस है? C3. ये C3 है ना, ये C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है. और अगर लेट्स से मैं इस एक्सेस की बातें करूं तो ये कौन सा एक्सेस ऑफ सिमेट्री है? C2 है. वेरी गुड. अच्छा ये क्या समझ में आ रहा है? एक्सेस ऑफ सिमेट्री उतना मुश्किल सा खेल नहीं है भाई. भाई अगर मैं उसको रोटेट करूंगा तो ये वाला एच इस एच के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा कि नहीं C2 में 180 डिग्री रोटेट करने पे, और ये वाला एच इस एच के पास चला जाएगा 180 डिग्री रोटेट करने पे, है ना? यस सुनो. यस. सेम लेट्स से इफ वी हैव, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बोट फॉर्म. बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन है. लेट्स से यहां से जा रहा है इसके अंदर और यहां से फिर बाहर निकल जा रहा है. इस एक्सिस के अबाउट कौन सा सिमेट्री है इसमें? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. सिमिलरली ये कौन सा फॉर्म बनाया मैंने इसका? चेयर फॉर्म. लेट्स से यहाँ भी ये सेंटर से जा रहा है. इसके अबाउट कौन सा सिमेट्री है यहाँ?
जल्दी से बोलो C1, C1 नाम की कुछ चीज नहीं होती है भाई, 360 डिग्री रोटेट करने पे तो वापस एक जैसा दिखेगा ही वो। क्या इसमें ये C3 एक्सिस जो सिमेट्री है में, ये वाला कार्बन क्या इक्विवेलेंट होता है? जैसा मुझे लगता है चेयर फॉर्म तो लोगों ढंग से समझा नहीं है, इसका मतलब भाई अगर इस चेयर फॉर्म को मैं किसी दूसरे व्यू से देखने की कोशिश करूं तो देखो चेयर फॉर्म मुझे ऐसा दिखाई देगा भाई ये, और ये बॉन्ड पीछे से आ रहा है एंड दिस मुझे क्राउन जैसा दिखेगा टेक्निकली ये चेयर फॉर्म, और होने भी चाहिए बेटा सारे कार्बन इक्विवेलेंट। यस तो क्या इसमें ये जो तीन पॉइंट हैं वो क्या इक्विवेलेंट नहीं है क्या? यस है। तो ये C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, तो क्या एक्सेस ऑफ सिमेट्री समझ लिया तुम लोगों ने क्या होता है? यस। चलो मैं एक एग्जांपल और करके दिखाना, ये जल्दी से लिख लो सब। लिख लिया। वेरी गुड। यस। नेक्स्ट में सपोज इफ आई टेक वन ऑफ द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एज क्यूब, ये एक ऐसा क्यूब ले लेते हैं, इस क्यूब में एक एक्सेस लेट्स से मेरे पास ऐसा है, एक एक्सेस लेट्स से मेरे पास ऐसा है, समझ लिया बेटा कौन सा एक्सेस है ये? हाँ सर। क्या सिमेट्री है इसमें? C4। सो यू नो ये C4 सिमेट्री है, और ऐसे कितने एक्सेस होंगे इसमें, इस मॉलिक्यूल में ऐसे कितने एक्सेस होंगे? थ्री। सो इट हैज 3-4-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्री। क्या ऐसा समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ बच्चे ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? यस यस। अच्छा बहुत अच्छे बच्चे हो। नेक्स्ट में सपोज अगर मैंने कोई एक्सेस देखो ऐसा ले लिया है, अभी दूसरे कलर से बनाता हूं, इस एक्सेस के अबाउट क्या सिमेट्री है इसमें? हाँ भाई जल्दी से बता दो, उतनी मुश्किल चीज नहीं कुछ। इसमें ये C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, और अगर मैंने एक ये ऐसा बना देते हैं, रुको एक और एकदम खतरनाक सा देखना है। हैं? ये देखो बॉडी डायगोनल के अलोंग है, ये बॉडी डायगोनल के अलोंग है, इसके अबाउट कौन सा सिमेट्री होगा बॉडी डायगोनल के अलोंग? C3। वेरी गुड। इट हैज C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, और ऐसे 4 होंगे है ना, सो 4-3-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्री। बेटा सब मिला के क्यूब में 4 ही बॉडी डायगोनल होंगे कि नहीं होंगे? यस। तो भाई क्या है ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री, उसका कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को?
सो सी थ्री कैसे है एक बार? सी थ्री कैसे है? अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देखूं तो डू यू थिंक क्या ये वाला पॉइंट, क्या ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स से जो मैंने ब्लैक में ड्रॉ कर रहा हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या उस रेड वाले कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पे है? कितने डिस्टेंस पे अगर मैं एक के टर्म से बोलना चाहूं तो और क्या ये तीन ही पॉइंट है रूट टू ए डिस्टेंस पे? हाँ बेटा, तीन ही पॉइंट तो है उसके अबाउट रूट टू ए डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से है ना। तो मैं बोल सकता हूं जब मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा तो ये जो पॉइंट वन, पॉइंट टू एंड पॉइंट थ्री ये इंटरचेंजेबल हो जाएंगे हर 120 डिग्री रोटेट पे। yes. तो समझ में आ गया वो सी थ्री कैसे है? हाँ बच्चों, क्या समझ में आ गया वो सी थ्री कैसे है? yes. लिख के भी हो गया है क्या? yes, sir. वो फोर थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे है? फोर थ्री फोल्ड भाई, ये थ्री फोल्ड समझ में आ गया कि नहीं? अबे बेटा, ये थ्री फोल्ड सी थ्री समझ में आ गया कि नहीं? ये तीन पॉइंट इक्विवेलेंट है 1 2 3, वो समझ में। और किसी भी क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, कितने क्यूब डायगोनल होते हैं? समझ गया सर। चार, चार क्यूब डायगोनल हैं। हाँ बच्चों, ऐसा क्या समझ के हो गया है तुम लोगों का? yes, बहुत अच्छे बच्चों, लिख भी लिया तुम लोगों ने, है ना। सर सी टू एक ही रहेगा ना? क्या तो सी टू है? हाँ, तो एक ही रहेगा सी टू ना बेटा? सी टू बहुत सारे रहेंगे। उसमें सी टू भी बहुत सारे रहेंगे, है ना भाई। कोई भी अपोजिट मैं ऐड कर दूं, कोई भी अपोजिट ना, जैसा ये भी तो पक्का पक्का सी टू इसमें होगा कि नहीं? इस इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करो, देखो बच्चों, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? सी टू भी बहुत सारे होंगे। चलो, ये एक्सोसिमेट्री बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। इसमें एक स्टेटमेंट एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री यू नो डज नॉट हैज एनी कोरिलेशन, एनी correlation with optical activity, with optical activity। बच्चे इसका excess of symmetry का optical activity से कोई लेना देना नहीं है, है ना। किसका लेना देना था? POS का एंड COS का, बस है ना, plane of symmetry and center of symmetry का। जैसा I can take one of the example here, for example if molecule is, let's say यहां मेरे पास CH3 है, यहां CH3 है, let's say this H going inside the surface of board
and let's say the Cl coming outward, H going inside the surface of board, and let's say the Cl coming outward. एक ये example है. Another example may be, let's say CS3, H going inside the surface, and let's say the Cl coming outward. This will be CS3. Let's say here the Cl going inside the surface, and let's say this H coming outward. But in दोनों molecule में किसमें plane of symmetry है? First वाले में भाई ये वाला जो plane है इसमें वो POS है. नहीं, इसमें ये वाला जो प्लेन है वो POS है. इस प्लेन के राइट में ये मॉलिक्यूल जैसा है, एग्जैक्टली इस प्लेन के लेफ्ट में भी ये मॉलिक्यूल ऐसा ही है कि नहीं है? CS3 ऊपर, CS3 ऊपर, H अंदर, क्लोरीन बाहर, क्लोरीन बाहर, एग्जैक्टली सिमेट्रिक है. सो ऑल्दो दिस कंपाउंड कंसिस्ट टू काइरल कार्बन, मैं इसमें R और S भी कर सकता हूं. जैसा फर्स्ट वाले केस में ये R है कि S है, लेफ्ट वाला काइरल कार्बन R है कि S है, जल्दी से बता दो. हाँ, S है. S है, वेरी गुड. राइट वाला R, R है. और कहीं ऐसा पढ़ा है बेटा अगर मॉलिक्यूलर सिमेट्री है तो एस आर का जो मिरर इमेज आर एस बनेगा वो आइडेंटिकल हो जाएगा? Yes. So, इसमें POS है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव? इनएक्टिव. इनएक्टिव. इट इज मेसो एंड दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. दूसरे वाले केस में अगर मैं सिर्फ काइरल कार्बन की बातें करूं तो ये वाला काइरल कार्बन, क्या लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हो कि वो काइरल कार्बन क्या होगा? एस रहेगा. और जो दूसरा वाला काइरल कार्बन है वो क्या हो गया अभी? एस. वो एस है. तो अगर ये एस एस है तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा आर आर, और जो उसके जैसा नहीं होगा. तो कैन वी से ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव. एक्टिव है. इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट कैन वी से अगर ये वाला जो एक्सेस है, इसमें कौन सा सिमेट्री है भाई यहाँ? C2. वेरी गुड. इट हैज C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री. यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि भैया जो क्लोरीन प्लेन के अंदर जा रहा था, 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्लोरीन प्लेन के बाहर आ जाएगा इधर. yes. आके yes. और ऐसा ही लेट्स से जो हाइड्रोजन प्लेन के बाहर आ रहा था उसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो अंदर चला जाएगा. तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल में वी हैव एक्सेस ऑफ सिमेट्री, बट फिर भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है ना? हाँ बच्चों, ऐसा समझ के हो रहा है तुम लोगों का? यस. अच्छा, पहले वाले में भी कुछ C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है क्या? पहले वाले में जो इनएक्टिव है उसमें भी कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं, उसमें नहीं है ना. तो उसका कोई कोरिलेशन नहीं है एक्सेस ऑफ सिमेट्री का, कि भाई सिमेट्री होगी एक्सेस ऑफ सिमेट्री की नहीं होगी. तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, है ना? और अभी हाल फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके एक्सेस ऑफ सिमेट्री के, है ना? MS चौहान, हिमांशु पांडे में भर भर के क्वेश्चंस हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री के. वो कर लोगे कि नहीं? Yes. चलो बड़ा, ये लिखे हो गया सर? एक मिनट, राइट बोलो.
हाँ भाई क्या लिख के हो गया ऐसा? अरे बता दो बेटा क्या लिख के हो गया ऐसा? यस सर। हाँ सर। ओके सो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, आउट ऑफ फॉलोइंग, एक मिनट, आउट ऑफ फॉलोइंग सेलेक्ट ऑप्टिकली एक्टिव, ये लास्ट स्लाइड ये था। अश्विनी बेटा तुम चाहो तो फोटो ले लो उसका। क्या अभी लिख के हो गया है? ओके सो इट इज आउट ऑफ फॉलोइंग यू हैव टू सेलेक्ट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और आज के लेक्चर में शायद मोर ऑफ लेस हम लोग बस यही क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना? हम लोग को बताना है उसमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेट्स से फर्स्ट वन, आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी इजी वन, CH4। सेकेंड CH3CHNCl and it is COH. Third one, it is HH and H and CH and Cl and CH2CH3. Fourth, if let's say compound is इसको क्या बना देते हैं भाई, रुको ये बना देते हैं। चलो पहले फर्स्ट फोर में बताओ तुम लोग, जो फर्स्ट फोर थोड़े ज्यादा आसान से लग रहे हैं मुझे। हमारा CH4 ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव ही रहेगा, इसमें तो बहुत सारे सिमेट्री होंगे कि नहीं, बहुत सारे प्लेन भी सिमेट्री होगा उसमें। yes, sir. ये इनएक्टिव है, इसमें उसका मिरर इमेज पक्का पक्का उस पर सुपरइम्पोज कर ही जाएगा। सेकंड वाले केस में क्योंकि मेरे पास बस एक ही काइरल कार्बन है, अगर एक ही काइरल कार्बन है तो इसमें पक्का पक्का पेयर ऑफ एनेंशियमर एग्जिबिट करेंगे। थर्ड वाले केस में एक्टिव, एक्टिव क्योंकि इसमें बस एक ही काइरल कार्बन। और फोर्थ वाले केस में एक्टिव, एक्टिव क्योंकि मेरे पास इसमें एक ही काइरल कार्बन। भाई एक तो बड़ा आसान सा हो गया, इफ कंपाउंड कंसिस्ट ओनली वन काइरल कार्बन, it will be optically active। भाई ये पहचानना आसान है, कोई मिरर में ड्रॉ करके देखने की जरूरत भी नहीं है इसमें। यस सुनो। यस सर। यस। अच्छा फिफ्थ वन, फिफ्थ में सपोज इफ वी हैव कंपाउंड एज लेट्स से मिथाइल सीएल एंड सीएल, it is methyl H and H, and sixth में if it is COH and COH, धीरे धीरे तो कंपाउंड की सिचुएशन ही ये तुम लोग को याद हो जाएंगे यार। हाँ फिफ्थ में एक्टिव की इनएक्टिव, फिफ्थ में मेरे पास दो काइरल कार्बन है, ये इनएक्टिव हो जाएगा, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज एग्जैक्टली उसके जैसा ही बन जाएगा। क्या उसको मैं आर एंड एस से भी कर सकता हूँ टेक्निकली, है ना? मतलब एक आर होगा तो पक्का पक्का दूसरा एस होगा, जैसा ये वाला काइरल कार्बन एस है और ये वाला काइरल कार्बन आर, है ना? पहला वाला जो काइरल कार्बन है वो एस है और दूसरा वाला काइरल कार्बन आर है, तो पक्का पक्का इनएक्टिव होगा। और इनएक्टिव होने के साथ साथ क्या मैं इसको मैसो भी बोल सकता हूँ?
although it consists chiral carbon, but compound is found to be optically inactive. Yes. Yes, sir. Sixth वाले केस में ये active है कि inactive है? Active. ये active हो जाता है, हम लोग chiral कार्बन से भी बता सकते थे. OH का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये R है. बिलीव मी, ये भी R ही होगा पक्का पक्का. हाँ बच्चों, क्या समझ में आ रहा है ये सर? तो हर बार शायद मुझे मिरर इमेज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. आई होप ये फोर एग्जाम्पल्स तुम लोगों ने लिख लिए हैं. अभी लिख लिया था कि नहीं? फोर, यस, सेवेंथ. चलो ये सब थोड़ा जल्दी जल्दी और बताओ मुझे. अभी सपोज इट इज मिथाइल एंड ओ एच एंड ओ एच एंड इथाइल इट इज एच एंड एच. नेक्स्ट में if it is methyl and cl and h, cl and h and methyl. Seventh and eighth. Eighth तो active है. ये तो situation ही अभी बताई थी कि भाई although उसमें plane of symmetry दिखता है but होता नहीं है, है ना? So ये active है. सेवेंथ, भाई सेवेंथ को तो एक्टिव होने से कोई रोक ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें सिमेट्री हो ही नहीं सकता है. एक साइड मिथाइल है तो एक साइड इथाइल है नीचे. भाई यहाँ मिथाइल है और यहाँ नीचे मेरे पास इथाइल है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो किसी टाइप का सिमेट्री इसमें हो ही नहीं सकता है. और काइरल कार्बन है. मुझे ये समझ में आ रहा है, मुझे इन सब का मिरर इमेज ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है. Yes. Yes. इन एट तक जो एग्जांपल्स मैंने किए हैं उसमें कोई डाउट है तुम लोगों को? No, sir. लिखे भी क्या लिखे होगी? हाँ बोलो. सेवेंथ वाला बता सकते हैं? सेवेंथ वाले में मेरे पास काइरल कार्बन है और कोई सिमेट्री नहीं है. मेरे पास काइरल कार्बन है और वो मैसो हो नहीं सकता क्योंकि कोई सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा भाई. क्लियर? बेटा अगर दोनों ऊपर नीचे मिथाइल मिथाइल होता तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता, और ऐसा ही ऊपर नीचे दोनों इथाइल इथाइल होता तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता. Getting? Yes, sir. चलो लिख के भी हो गया ऐसा. हाँ बच्चे लिख लिया है ऐसा. ओके, नाइन्थ में सपोज दिस कंपाउंड इज मिथाइल and methyl, it is H and H. ये let's say मेरे पास cis compound है. tenth, ये let's say methyl and H, and let's say it is H and methyl, और ये मेरे पास trans compound है. हाँ बच्चों, नाइन्थ एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव है. कैसे पता चला? उसमें प्लेन ऑफ, देखो और भी काफी तरीके से हम लोग उसको अप कर सकते हैं. बहुत सारे तरीके हम लोग ने सीख लिए हैं. एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग को दिख रहा है उसमें, और दूसरे में क्या हम लोग ऐसा बोल सकते थे कि ये वाला जो काइरल कार्बन है ये एस है, और ये वाला जो काइरल कार्बन है वो आर है. मिरर इमेज से आरएस हो जाएगा.
हाँ, और ये पक्का पक्का आर है तो ये भी पक्का पक्का आर ही है ना, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं ना कि अगर एस आर है, आर एस है तो उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाता है, और आर आर का जो मिरर इमेज बनेगा वो एस एस बनेगा जो सुपर इम्पोज नहीं करता है ना? Yes. और इसमें यू नो अगेन मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूं कि इतना हाफ दूसरे हाफ पे सुपर इम्पोज कर जाएगा ये, है ना, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। सो यहां हम लोग बोल सकते हैं ये कंपाउंड इनएक्टिव है और ये मैसो है। क्यों मैसो है? क्योंकि इसमें पीओएस, टेंथ वाले केस में इनएक्टिव है कि एक्टिव है? एक्टिव, टेंथ वाले केस में एक्टिव है, उसको कोई नहीं रोक सकता है भाई। दो एस बन जाएंगे तो सुपर इंपोर्टेंट, आर आर और एस एस बन जाएगा। मोर इंपोर्टेंट थिंग इज इसमें ना तो पीओएस है और ना ही सीओएस है, ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है। नाइन्थ एंड टेंथ क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ना बच्चे, नाइन्थ और टेंथ क्या समझ में आ रहा है? Yes. चलो बहुत अच्छे, बच्चों लिख के भी हो गया है। ओके, इलेवेंथ, ऐसा ही कई बार ये मॉलिक्यूल सिंपल ऐसा भी ड्रॉ करके दिया जा सकता है तुम लोगों को। दिस मे बी लेट्स से एच एंड एच एंड लेट्स से सीएल एंड सीएल एंड ट्वेल्थ में सपोज एच एंड सीएल, सीएल एंड एच, तो क्या मैं इसको भी बोल सकता हूं कि ये सिस है और दूसरा वाला ट्रांस है? इलेवेंथ इनएक्टिव, तो इलेवेंथ इनएक्टिव है। अच्छा, ऑल्दो यहां फिर से काइरल कार्बन है, बट सेम है ना, बस मैंने डिफरेंस कुछ नहीं करा बेटा। एक में थ्री मेंबर्ड साइक्लिक रिंग था, एक में फोर था, और एक में बस मैंने रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिए है ना। मतलब ऑब्वियसली ये एंगल 109.5 है, बट सिंपलिसिटी के लिए ऐसा हम लोग एच ओ सी एल को एग्जैक्टली 180 डिग्री टाइप भी दिखा सकते हैं। यस ऑर नो? यस। तो ये इनएक्टिव है, इट इज मैसो। क्यों? क्योंकि इसमें पीओएस है और ये मेरे पास लेट्स से एक्टिव। क्लियर है कि नहीं? यस। yes. थर्टींथ लेट्स से देख लेते हैं। थर्टींथ वाले केस में सपोज इसको अब मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ लेट्स से, समझने के लिए। क्या इस रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. क्या है ये? आधा रिंग प्लेन के अंदर है और आधा रिंग प्लेन के बाहर है। Yes. Yes. अच्छा, ये CL एंड ये H, ये CL एंड H, do you think CL एंड H बोर्ड के प्लेन में ही है? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट में ऐसा ही लेट्स से ये कुछ इस टाइप का, ये प्लेन से बाहर आ सकता था, ये इतना हाफ प्लेन के अंदर जा रहा है। एंड यहां भी सीएल एंड एच है और यहां लेट्स से एच एंड सीएल है। क्या मैं फिर से बोल सकता हूं बेटा ये सिस है और ये ट्रांस है? यस यस। अच्छा जल्दी से बताओ बेटा, थर्टींथ वाले केस में ऑप्टिकली एक्टिव के इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव। फोर्टींथ वाले केस में एक्टिव के इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव। थर्टींथ वाले केस में कौन सा सिमेट्री है? प्लेन। प्लेन। कौन सा प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन परपेंडिकुलर टू द रिंग। प्लेन परपेंडिकुलर टू द रिंग। अच्छा, मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि बेटा ये जो मेरा बोर्ड का ही प्लेन है, मेरे पास ये जो बोर्ड का ही प्लेन है, जैसा मैं यहाँ ड्रॉ भी कर देता हूँ, रुको एक मिनट, है ना, जिस प्लेन में
ये सब है जो बोर्ड का प्लेन है, क्या वही मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है? समझिए, बोर्ड का प्लेन क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कह सकते हैं भाई, देखो जो अपना स्क्वायर है, जो नीचे स्क्वायर है, वो आधा आधा बोर्ड के प्लेन से बाइसेक्ट हो रहा है क्या? हाँ हजूर। अच्छा, उसी बोर्ड के प्लेन में, उसी बोर्ड के प्लेन में ये क्लोरीन एटम भी है, तो मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूं आधा स्फेयर क्लोरीन का प्लेन के अंदर, आधा स्फेयर प्लेन के बाहर। Yes. हाँ बच्चों, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं? Yes. तो कैन वी से बोर्ड का प्लेन भी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ कि ना? Yes. हाँ। अच्छा, 14th वाले केस में कौन से टाइप की सिमेट्री है, जल्दी से बता दो मुझे। सेंटर ऑफ सिमेट्री। डू यू थिंक इसमें POSB है और इसमें COSB है? Yes. भाई अभी भी कैन वी से बोर्ड का प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा इसमें? यस यस। अभी भी तो ये वाला जो बोर्ड का प्लेन है, वो बोर्ड का प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी भी है इसमें भाई? आधा क्लोरीन एटम प्लेन के अंदर, आधा क्लोरीन एटम प्लेन के बाहर, आधा एच प्लेन के अंदर, आधा एच प्लेन के बाहर। हाँ बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, ये सेंटर, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है भैया। सी एल यहाँ, सी एल यहाँ, तो इसमें मेरे पास पी ओ एस भी है और इसमें मेरे पास सी ओ एस भी है। यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच ले आए भाई हम लोग, और ऐसा ही यहाँ के अंदर जैसा ये है, प्लेन के बाहर भी वैसा ही है इस पॉइंट के। तो इसमें मेरे पास भाई सी ओ एस बी है और इसमें मेरे पास पी ओ एस बी है। 13th वाला एक्टिव कि इनएक्टिव? इनएक्टिव। ये भी मेरे पास इनएक्टिव है और ये भी मेरे पास इनएक्टिव है। क्या ये मेसो कंपाउंड भी है? Yes. नहीं नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनो, ये मेसो कंपाउंड्स नहीं है। मेसो कंपाउंड्स होने के लिए काइरल कार्बन का होना जरूरी है। मेसो कंपाउंड्स के लिए काइरल कार्बन का होना जरूरी है और यहां कोई कार्बन काइरल नहीं है। 13th एंड 14th इनएक्टिव है, बट वो मेसो कंपाउंड्स नहीं है। वो स्टेटमेंट समझ में आया तुम लोगों को? Yes, sir. बहुत अच्छे बच्चे हो, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए यहां से। क्या लिख के और समझ के हो गया है? Yes, sir. Next में 15th। चलो ये सब ध्यान से देखना, समझना है ना। लेट्स से द CO गोइंग इनसाइड द सरफेस ऑफ बोर्ड एंड NH। And this may be, let's say, NH here. This may be CO. Similarly, this may be CL. This may be H. This may be CL and this may be H. 16th. It is CO and let's say it is NH. It is NH and let's say it is CO. It is CL and H. It is H and CL. क्या ये example समझ में आ रहा है तुम लोगों को, जो diagram draw किया हुआ है? Yes. अच्छा, दोनों में ही
यहाँ भी काइरल कार्बन है और यहाँ भी काइरल कार्बन है, इसमें कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है? ऑब्वियसली फर्स्ट वाले को मैं बोल सकता हूँ कि ये सिस है और दूसरे वाले को मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्रांस। फर्स्ट वाले में पीओएस है, सीओएस, सीओएस फर्स्ट वाले में सीओएस है, फर्स्ट वाले में नहीं है। भाई देखो अगर COS होता तो यहाँ क्लोरीन है, उसके अपोजिट भी क्लोरीन ही होना चाहिए था, बट ऐसा तो है नहीं अनफॉर्चुनेटली। हाँ सर सेकंड में होगा, सेकंड में पक्का पक्का COS है। सेकंड में अगर मैं ये वाला सेंटर समझने की कोशिश करूं तो Cl यहाँ है, Cl यहाँ भी है, ऐसा ही लेट्स से यू नो H मेरे पास यहाँ है तो H मेरे पास यहाँ भी है, इसमें अगर मेरे पास NH यहाँ है तो NH यहाँ भी है, और ऐसा ही अगर मेरे पास CO यहाँ है तो CO यहाँ भी है। तो सेकंड वाले केस में तो पक्का पक्का सेंटर ऑफ सिमेट्री है। 15th वाले केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, क्या उसमें POS है? यस बोर्ड का प्लेन, बोर्ड का प्लेन, देखो बोर्ड का प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है। थोड़ा ध्यान से देखो, सपोज मैं बोर्ड का प्लेन ये ले लूं तो इधर अगर NH है प्लेन के अंदर तो प्लेन के बाहर वहां क्या है? CO, CO है, तो भाई ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है ना, बोर्ड का प्लेन। यस, तो ना तो उसमें कोई POS है, तो दोनों आर है सर, तो बोल सकते हैं। और देखो R और S से भी बोल सकते हैं, वेरी गुड है ना, हम लोग R एंड S से भी बोल सकते हैं, बट यहाँ सिस वाला जो कंपाउंड है इट इज गोइंग टू बी एक्टिव, और यहाँ ये जो ट्रांस वाला कंपाउंड है इट इज गोइंग टू बी इनएक्टिव एंड इट इज गोइंग टू बी मेसोज। क्या बच्चों ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस यस। तो जो लेफ्ट वाले वो आ रहे हैं ऐसे, चलो चेक कर लेते हैं भाई आर एंड एस। अगर मेरे पास लीस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट एच है, मेरे पास लीस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट एच है, और अगर इससे मैं दूर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यहाँ सीएल का है, सीएल से फिर मैं प्लेन के बाहर आया होगा और फिर प्लेन के अंदर गया होगा, तो अगर मैंने यहां से देखा तो मुझे एंटी क्लॉक में तो एस है बेटा, बोलो ना, तो ये वाला मुझे S दिखेगा। क्या समझ में आ रहा है? Yes. और ये भी पक्का, ये भी पक्का yes. और ये भी S होगा है ना, इसमें मैंने अगर इन्वर्जन कर दिया है एक का तो ये R और ये S हो जाएगा है ना। yes. बच्चों ये समझ के हो गया है क्या ऐसा 15, 16? चलो भाई बहुत सारा पढ़ना है अभी आगे, डन। एक सेकंड लिखना। ओके नेक्स्ट में लेट्स से 17th, क्लोरीन एंड एच, एंड क्लोरीन एंड एच ऑब्वियसली इसको मैं सिस बोल सकता हूं। 18th, क्लोरीन एंड एच, इट इज एच एंड क्लोरीन, और इसको मैं ट्रांस बोल सकता हूं। जल्दी से बता दो बेटा इसमें कौन सा एक्टिव कौन सा इनएक्टिव या क्या कहानी है इससे रिलेटेड।
19th inactive है. 19th है ये क्या है? 17, 18 है. हाँ 17th active के inactive and 18th active के inactive. हमारा 17th में क्या है जैसा जल्दी से बता दो. प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्या? सर है भाई. क्या ये जो मॉलिक्यूल का ही प्लेन है, बच्चे जो मॉलिक्यूल का ही प्लेन है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है क्या बेटा? अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल हैं दोनों के दोनों, अगर ये दोनों के दोनों प्लेनर मॉलिक्यूल हैं तो जिस प्लेन में लाई कर रहा है वही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा भाई ना? हाँ, सर. उसी प्लेन में देख लो ना, आधा क्लोरीन प्लेन से बाहर, आधा क्लोरीन प्लेन के अंदर, आधा कार्बन प्लेन से बाहर, आधा कार्बन प्लेन के अंदर. यू कैन से एनी प्लेनर मॉलिक्यूल. एनी प्लेनर मॉलिक्यूल will be optically inactive due to POS. हम लोग बोलते हैं POS तो होगा ही होगा. Due to POS, कोई भी planar molecule में POS होने ही वाला है. So it is going to be inactive. It is going to be, let's say, inactive. क्या बच्चों समझ के हुआ ये? Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. 17, 18 तो एकदम चिंदी टाइप से थे. 19th वाले केस में इफ इट इज Cl एंड इट इज H एंड डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड C, क्या ये याद है तुम लोगों को कि ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता था? सारे बच्चों को याद है ऐसा कि नहीं? तो ये ओड नंबर ऑफ कार्बन होते थे तो नॉन प्लेनर, और इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो प्लेनर. ये समझ लेते हैं कि इसमें मैं मिरर इमेज ड्रॉ कर लेते हैं. एक मिरर, इसका अगर मिरर इमेज हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे तो डू यू थिंक ये बन जाएगा Cl गोइंग इनसाइड द सरफेस, दिस H कमिंग आउटवर्ड एंड C एंड C, ये Cl एंड ये H, ऐसे ही बनेगा इसका मिरर इमेज? Yes, क्या ये दोनों मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल? नॉन सुपर. देखो बहुत सारे तरीके से हम लोग देखने की कोशिश कर सकते हैं. अगर मैं इसको रोटेट कर दूं ऐसा 180 डिग्री, अगर मैं इसको ऐसा रोटेट कर दूं 180 डिग्री तो क्या ये Cl यहां पहुंच जाएगा? हाँ? और ये हाइड्रोजन पहुंच जाएगा यहां? यस और नो? यस. अच्छा ये जो H है, ये जो H है अभी जो प्लेन से बाहर है, प्लेन के अंदर जो H है जो प्लेन से बाहर है वो चला जाएगा प्लेन के अंदर 180 डिग्री रोटेट करने पे. तो ये सुपर इम्पोज हुआ कि नॉन सुपर इम्पोज हुआ? नॉन सुपर इम्पोज. जहां H है वहां Cl चला गया और जहां Cl है वहां H चला गया. यस और नो? तो ऐसा एक तरीका है नॉन सुपर इम्पोज चेक करने का. या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, सपोज इस मॉलिक्यूल को मैंने ऐसा 90 डिग्री रोटेट कर दिया. सपोज अगर इसको मैंने ऐसा 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो डू थिंक ये जो H पहले प्लेन में था, राइट वाला जो H प्लेन में था, क्या वो प्लेन के बाहर आ जाएगा ऐसा? हाँ भाई, आएगा कि नहीं? Yes, sir. और Cl जो प्लेन के अंदर था, Cl जो ऐसा प्लेन के अंदर था
वो नीचे आ जाएगा शायद, है ना, अंदर चला जाएगा कि नहीं वो, मतलब नीचे की साइड भाई 90 डिग्री ऐसा रोटेट करेंगे तो सीएल जो प्लेन के अंदर था वो प्लेन में आ जाएगा, बट वो एच की पोजीशन पे आ जाएगा जहां एच है वहां। मतलब ओवरऑल आइडिया समझाने का ये है कि अगर ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है तो ये जो मिरर इमेज है वो दोनों एक जैसे से हो ही नहीं सकते, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। है कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें? हाँ बच्चे, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें? हाँ कि ना बेटा, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि इसमें कि नहीं? नहीं है, नहीं है। अच्छा, सो दे आर both compounds are optically active, both compounds are optically active। तो क्या यूनिक है इस एग्जाम्पल के बारे में, थोड़ा थोड़ा हम लोग और लिख लेंगे इसको, ऐसा इंपॉर्टेंट बना देते हैं, स्टार बना देते हैं। क्या है, फर्स्ट थिंग इज ऑल्दो गिवन कंपाउंड does not consist chiral carbon, but molecule is found to be chiral। ऐसा समझ में आ रहा है? Although given compound does not consist chiral carbon, but molecule is found to be chiral and optically active, एक और इंफॉर्मेशन हम लोग क्वेश्चन के बारे में लिख सकते हैं, it can exhibit optical isomer। अच्छा, ये GI exhibit नहीं कर सकता ना, अगर वो नॉन प्लेनर परपेंडिकुलर हो जाता था एक दूसरे के। Yes, sir। अच्छा, इस example को याद भी रखना है, important example है, common example है काफी। नाइनटीन्थ बच्चों, क्या लिखे हो गया है ऐसा? हाँ सर, लिख लिया। वेरी गुड। एक मिनट, डन सर। Now, next में, let's say 20th example is, if it is HNCl and C and C and it is HNCl, ये planar है कि non-planar है? Planar है। Planar है। अगर ये planar है तो ये optically active होगा कि inactive होगा? Inactive। So ये planar है and it is going to be optically inactive। इसके लिए हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या? Given compound can exhibit GI but can't exhibit optical isomerism। बच्चे ऐसा समझ में आ रहा है स्टेटमेंट? यस। बट इट डज नॉट मींस कि जो कंपाउंड में जीआई होता है उसमें ओआई नहीं होता है ना, या जिसमें ओआई है उसमें जीआई नहीं होगा, है ना?
जैसा डू यू थिंक ये वाले केस में सिस एंड ट्रांस भी होता है और ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है? हाँ। चलो अब जल्दी जल्दी कुछ एग्जांपल तुम लोग बता दो भाई ऐसा 21 में. ऐसा कुछ सब तुम लोग शायद बता सकते हैं यार. ये समझ में आता है? एडजेसेंट रिंग विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एडजेसेंट रिंग विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा समझ में आता है कि नहीं? लास्ट क्लास के नोट से क्या इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि ये स्ट्रक्चर टेक्निकली ऐसा रहने वाला है? sp3 कार्बन रहता है क्योंकि वो sp3 कार्बन है. सो दीज रिंग विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो क्या ये एग्जांपल नंबर 19 जैसा ही हो जाएगा फिर? हाँ सर. यस सर. तो ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? अरे बोल दो बेटा. 21 एक्टिव है कि इनएक्टिव है? ये एक्टिव हो जाएगा. एक्टिव होगा. और ऐसा 22 इज एग्जांपल सिमिलर टू जैसा एग्जांपल नंबर 20 है. इसमें हम लोग क्या कर सकते थे कि भाई लेट्स से ये बॉन्ड प्लेन से ऑब्वियसली प्लेन में था तो ये वाले बॉन्ड को प्लेन से बाहर आना पड़ेगा, शायद ऐसा बनाना पड़ेगा हम लोगों को इसको, है ना? तो एक रिंग लेट्स से प्लेन के बाहर आ जाएगा ऐसा, और एक और रिंग है जो बोर्ड के प्लेन में ही रह जाएगा, है ना? यहाँ एक और रिंग है लेट्स से जो बोर्ड के ऐसा प्लेन में रह जाता. थोड़ा और बढ़ना था इस वाले केस में. दिस एच गोइंग इनसाइड द सीएल गोइंग इनसाइड एच कमिंग आउटवर्ड. और यहाँ भी ये वाला जो बॉन्ड है इसको मुझे बना देना चाहिए था कुछ ऐसा गोइंग इनसाइड द सरफेस एंड समथिंग लाइक दिस. इसमें बेटा ऑल्टरनेट रिंग कैन बी इन द सेम प्लेन. Yes. Alternate ring can be in the same plane. तो ये अंदर जा रहा होगा, इसको मुझे बाहर आते हुए दिखाना पड़ेगा. तो ये कंपाउंड जो मैंने बनाया है ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? और अगर इनएक्टिव है तो कौन सा सिमेट्री है इसमें? सेंटर ऑफ सिमेट्री. वेरी गुड. Do you think ये वाला जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है क्या भाई? यहाँ सीएल देखो प्लेन के बाहर आ रहा है, उसके 180 डिग्री अपोजिट सीएल अंदर जा रहा है ना? यहाँ एच है और यहाँ एच 180 डिग्री बाहर आ जाएगा, और बाकी तो ऑब्वियसली सिमेट्री है ही उसमें. सो इट हैज COS एंड इट इज गोइंग टू बी इनएक्टिव. बच्चों क्या ये एग्जांपल समझ में आ रहे हैं तुम लोगों को? 21, 22. यस यस. लिख के भी हो गया है तुम लोगों का? बच्चों लिख के भी हुआ है क्या?
हाँ बच्चों लिख लिया है तुम लोगों ने? यस बहुत अच्छे बच्चे हो। 23 inactive I mean, 23 24 23 inactive 24 active 24 active कैसे बन जाता था? सर तो ये तो प्लेनर है एंड ये हो जाएगा इनएक्टिव। इसमें तो बहुत सारे सिमेट्री हैं भाई, प्लेनर है तो प्लेन ऑफ प्लेन ही भी सिमेट्री हो जाता। और डू थिंक यहाँ ये दोनों बल्कियर ग्रुप्स होने की वजह से ये प्लेनर होता कि नॉन प्लेनर हो जाता स्ट्रक्चर? नॉन प्लेनर ये नॉन प्लेनर हो जाता ड्यू टू SIR। ये जो स्ट्रक्चर है इट इज गोइंग टू बी यू नो नॉन प्लेनर, ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है एंड इट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। बार बार वही कहानी है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कि जो यूजुअली नॉन प्लेनर है उसमें कोई सिमेट्री टाइप नहीं दिखेगा और जो प्लेनर है उसमें सिमेट्री दिखाई दे सकता है। हाँ बच्चों ये समझ में आ रहा है? 24th वाला एग्जांपल? यस यस सर। क्या लिख के भी हो गया है? यस सर। ओके बेटा लिख लिया 24th वाला, वापस नहीं आएगा अब जाए? सर लिख लिया। ओके फिर इसमें लेट्स से 25th, चलो थोड़ा बुद्धि लगाना दादा हम लोग, है ना? इस बार मैं तुम लोग को सब कुछ ड्रॉ ही करके दे देता हूँ भाई। अयो कितना समझ में आता है भाई? अल्टरनेट रिंग कैन बी इन द सेम प्लेन? यस सो लेट्स से यहाँ आयोडीन है जो प्लेन के अंदर जा रहा है, ये आयोडीन है जो प्लेन के अंदर जा रहा है, लेट्स से यहाँ NO2 है, यहाँ भी NO2 है, यहाँ Cl है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ Cl है और यहाँ लेट्स से मेरे पास ब्रोमीन। इस वाले कंपाउंड्स में है ना, इस वाले कंपाउंड्स में जल्दी से बताना कि भाई ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ दोनों Cl सेम साइड पे हैं और दोनों ही ब्रोमीन सेम साइड पे है, इसको हम लोग सिस बोलेंगे कि ट्रांस बोलेंगे? हाँ बेटा इसको सिस बोलेंगे कि ट्रांस बोलेंगे? सिस बोलेंगे, इसको हम लोग सिस बोल सकते हैं। तो ये कंपाउंड लेट्स से मेरे पास सिस है, 26th में इसी का मैं ट्रांस भी बना देता हूँ, ऐसी क्या परेशानी है? देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांस वाला मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा। लेट्स से आयोडीन गोइंग इनसाइड द सरफेस एंड गोइंग इनसाइड द सरफेस, दिस NO2 फर्दर कमिंग आउटवर्ड एंड दिस NO2 फर्दर कमिंग आउटवर्ड।
this will be Cl and this will be bromine. This will be bromine and this will be Cl. यहाँ जो Cl है ये डाउनवर्ड, ये Cl यहाँ अपवर्ड, यहाँ ब्रोमीन अपवर्ड और यहाँ ब्रोमीन डाउनवर्ड. ये स्ट्रक्चर सिस है कि ट्रांस है? ट्रांस को हम लोग ट्रांस बोल सकते हैं. चलो जल्दी से मुझे बता दो इसमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है. दोनों ही इनएक्टिव है. दोनों ही इनएक्टिव है. कौन सा प्लेन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? देखो फर्स्ट वाले केस में तो एकदम ही क्लियरली दिखाई दे रहा है कि शायद ये POS है. Yes, sir. इस वाले केस में ये वाला जो प्लेन है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है. इस प्लेन के राइट में ये मॉलिक्यूल जैसा है उसके लेफ्ट में भी एग्जैक्टली वैसा है. Yes, sir. इसमें तो कोई टेंशन नहीं है भाई, इसको लिख देते हैं हम लोग कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है. क्यों? क्योंकि इसमें POS. 26 वाले केस में COS. COS है? हाँ सर, वो सेंटर में. कौन सा सेंटर, सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें? सर रिंग बीच वाले. देखो नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ आयोडीन है तो यहाँ मेरे पास NO2 है. यहां मेरे पास आयोडीन है तो इधर NO2 है तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है. क्या कोई प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें? सर वो क्लोरीन और ब्रोमीन वाली प्लेन. क्लोरीन और ब्रोमीन वाला प्लेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्लेन के अंदर आयोडीन है तो प्लेन के बाहर NO2 है. सर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा. अरे चलो जब जब हम लोग एकदम थक जाएं कि अब कुछ नहीं दिख रहा है तो हम लोग को एक्टिव पक्का बोल देना चाहिए उसको, अब जाए ना. नहीं भाई, अगर उसमें COS नहीं है, उसमें POS नहीं है तो ये फिर एक्टिव होना ही चाहिए. जल्दी से 25-26 लिखो. हम इसके और दो वर्जन करेंगे, थोड़ा बुद्धि लगाएंगे सुबह सुबह. बच्चों क्या 25 और 26 लिख के हो गया है तुम लोगों का? हाँ सर लिख लिया. वेरी गुड. इसी में हम लोग थोड़ा और चेंज कर लेते हैं. 27 और 28 में बना देता हूँ उसको. ये 27 और ये 28 दोनों में मैंने बस क्या चेंज किया है. क्या चेंज कर दें भाई हम लोग? इसको मैंने यहां NO2 बना दिया है, यहां आयोडीन और यहां NO2 एंड सिमिलरली यहां मैंने बना दिया है इसको NO2 और यहां बना दिया है आयोडीन. ये है 27 और 28. सर
28 inactive हो जाएगा. क्यों inactive हो जाएगा? 28 COS. Very good. Yes. हो जाएगा inactive क्योंकि अब इसमें COS है. ये वाला जो सेंटर है वो सेंटर सिमेट्री हो जाएगा इसमें. Yes, तो यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है, सेम यहाँ मेरे पास क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, ऐसा सब मैच कर जाएगा. NO2 प्लेन से बाहर, NO2 प्लेन के अंदर, है ना, जैसा यहाँ NO2 प्लेन के अंदर, यहाँ NO2 प्लेन के बाहर, तो इसमें मेरे पास COS है. 27 में सर वो ऑप्टिकली एक्टिव है सर, कुछ नहीं, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा. तो देखो एकदम ही डिफरेंट हो गया. 26 में सिस वाला इनएक्टिव था और 25 वाला इनएक्टिव था जो सिस था, और यहाँ सिस एक्टिव है, बट ट्रांस एक्टिव था और यहाँ ट्रांस इनएक्टिव है. बच्चों क्या ये दोनों एग्जांपल समझ में आ रहे हैं तुम लोगों को? यस बच्चों थोड़ा हाँ ना बोल दिया करो बीच बीच में, अच्छा लगता है मुझे भी. Yes, yes, अभी आगे बढ़े. Yes, sir. Sir, इसके हम लोग और वर्जन भी बना सकते हैं अभी, है ना? डन सर. सर एक मिनट. डन सर. ओके नाउ इफ यू सी लेट्स से 29th. 29th एकदम ही आसान सा भाई. चलो मैं तुम लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करूंगा, पहले से ड्रॉ करके दे दूंगा कौन सा बाहर है कौन सा अंदर है. भाई ये एग्जाम में ड्रॉ करके दिया नहीं जाएगा, तुम लोग खुद ही इमेजिन करना पड़ेगा, है ना? चलो जल्दी से बता दो 29th वाला क्या होगा. एक्टिव एक्टिव है ना. एंड डू यू थिंक 30th वाला भी एक्टिव हो जाएगा? बेटा उनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना. सिमिलर टू एग्जांपल नंबर 19 था, कौन सा था जिसको स्टार बनाया था? यस 19. यस इसमें भी कोई काइरल कार्बन नहीं, इन दोनों में भी कोई काइरल कार्बन नहीं है, बट दीज कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव क्योंकि इनमें कोई सिमेट्री नहीं है. Yes, sir. ऐसा ही मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, कैन वी से इट इज आ काइरल and twist boat is chiral. भाई इसमें POS हो जाएगा कि नहीं? Yes sir. Yes sir. और do you think twisted वाले में पक्का POS नहीं हो सकता है? भाई वो तो एकदम twist कर दिया ना आगे पीछे थोड़ा सा. Yes sir. हाँ sir. क्या ये दोनों एग्जांपल्स लिखे हुए हैं तुम लोगों के?
दो मिनट जल्दी जल्दी बढ़ो आगे मैं अभी और 7-8 एग्जांपल करने हैं 40 तक तो करें डन सर सो 33 देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है लेट से मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूं क्या गंदा सा ड्रॉ हो रहा है क्या बोलते हैं इस एल्केन को हम लोग सर कुछ तो प्रिज्म से रिलेटेड होगा हाँ सो दिस एल्केन इज नोन एज प्रिज्मेन ये जो एल्केन है इट इज नोन एज प्रिज्मेन अच्छा सपोज यहां सीएल जुड़ा हुआ है और यहां सीएल जुड़ा हुआ है इस प्रिज्मेन में इसमें यहां सीएल जुड़ा हुआ है और यहां सीएल जुड़ा हुआ है इसमें यहां सीएल जुड़ा हुआ है और यहां सीएल जुड़ा हुआ है 33, 34, 35 कौन सा प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें हो सकता था हाँ सही होगा भाई क्या ये वाला प्लेन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या yes. बिल्कुल है शायद है ना यस yes, सुनो हाँ यस yes, हाँ सर होगा इसमें ये वाला जो प्लेन है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है आधा जैसा ये प्लेन के अंदर है ऐसा ही एग्जैक्टली ये प्लेन के बाहर है मैं ऐसा शेड कर देता हूं भाई ये जितना प्लेन के ऐसा है डू यू थिंक प्लेन के अंदर भी ऐसा ही एग्जैक्टली है ना आधा डिवाइड हो जाएगा सीएल आधा इधर सीएल आधा उधर मतलब सॉरी एक सीएल इधर एक सीएल उधर है ना भाई ये सीएल जैसा प्लेन के बाहर है ये सीएल ऐसा ही प्लेन के अंदर है या सुनो Yes. So, ये तो हो गया भाई इनएक्टिव 34 में भी 34 में भी शायद एक प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे दिखाई दे रहा है जैसा ये वाला प्लेन प्रिज्म को हाफ में करते हैं हम फिर से हम लोग प्रिज्म को ऐसा हाफ में डिवाइड कर दें ऐसा क्या ये प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें बिल्कुल है ना yes. उसी प्लेन में सीएल सीएल है कि नहीं है So, इसमें भी मेरे पास इनएक्टिव है सो ये भी लेट से मेरे पास इनएक्टिव हो गया 35 में मेरे पास यहां कायरल कार्बन है और यहां भी कायरल कार्बन है क्या वो कायरल कार्बन समझ में आ रहा है कि कायरल होना चाहिए वो कार्बन भाई देखो इसका ये वाला ब्रांच और इसका ये वाला ब्रांच डिफरेंट है कि सेम है डिफरेंट डिफरेंट और ये इन तीनों से ही दोनों से ही डिफरेंट है ना है कि नहीं यस सर यस सर और एक सीएल जुड़ा हुआ है तो उसमें कायरल कार्बन है इसमें कोई प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या चलो इतना सोचने में टाइम लगा रहे हो तो कुछ नहीं है उसमें ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना
तो बच्चे 33, 34 एंड 35 वाले एग्जाम्पल में किसी अच्छे बच्चे को कुछ डाउट है? 35 में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा बेटा? देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पक्का नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्रिज्मेन की जो ज्योमेट्री है, तो खुद प्रिज्मेन की ज्योमेट्री है, अगर सीएल नहीं भी हो तो भी उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है बेटा। सिर्फ प्रिज्मेन की ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है बेटा। मतलब जैसा अगर मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश करूं, तो भाई अगर ये सेंटर अगर मैं देखूं क्लो, मतलब ये अगर मैं यहां देखूं सेंटर है ना, उसके 180 डिग्री है ना, मतलब अगर यहाँ ये कॉर्नर आ जाएगा तो उसका 180 डिग्री पे तो फ्लैट हो जाता है वो, कॉर्नर कहाँ है ना बड़ा, अगर उसके ज्योमेट्री में ही सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर तो पक्का नहीं होगा। जिसमें ये दोनों ही क्लोरीन एटम प्रेजेंट हो, ये ऐसा प्लेन बेसिकली है ना? बेटा 33, 34, 35 समझ के हो गया है? यस सर। चलो अब 36 आ गया, ऐसा ही कुछ कातिल सा देखो, ये रुको 36 में क्या बोलते थे हम लोग इसको, जैसे उसका नाम प्रिज्मेन था, कैन वी से इसका नाम हो जाता क्यूबेन। इस क्यूबेन में सपोज यहां जुड़ा हुआ है लेट्स से सीएल, यहां जुड़ा हुआ है सीएल, यहां जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, एंड यू नो 37 वाले एग्जांपल में यहां जुड़ा है सीएल, यहां जुड़ा है लेट्स से ब्रोमीन, यहां जुड़ा है लेट्स से आयोडीन। बच्चे उसको हर बार 3D विजुलाइजेशन करना उतना आसान सा नहीं होने वाला है ना, हर बार थ्री डी विजुलाइज करना उतना आसान नहीं होने वाला। इसमें तो कर भी लो, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा उसमें नहीं कर पाऊंगे, तो इसमें हाँ इसमें एक आसान सा तरीका समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये क्यूब का सेंटर लूं, अगर मैं क्यूब का सेंटर इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, तो डू थिंक क्यूब के सेंटर से एक अगर मैं ये बॉन्ड इमेजिन करूं जिसपे ये क्लोरीन कनेक्टेड है, और एक अगर लेट्स से मैं ये वाला बॉन्ड इमेजिन करने की कोशिश करूं जिससे ये क्लोरीन कनेक्टेड है, एक हम लोग ऐसा इमेजिन करने की कोशिश कर लेते हैं भैया जिससे ये वाला क्लोरीन कनेक्टेड है, ये वाला ब्रोमीन कनेक्टेड है सॉरी, और एक और एक लेट्स से मैं ये वाला जो बॉन्ड है, क्या ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? तो अगर मैं इन चार कॉर्नर से इसको कनेक्ट करूं, इन चार कॉर्नर से अगर मैं इसको कनेक्ट करूं, तो क्या ये टेट्राहेड्रल जैसा बनेगा? Yes. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, इन पॉइंट से इन कॉर्नर से अगर मेरे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड होंगे तो ये काइरल हो जाएगा, सिमिलर टू काइरल कार्बन जैसा? हाँ सर। अच्छा पहले वाले केस में 1 और 2 पे 2 पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये पक्का एक्टिव होगा कि इनएक्टिव हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। और दूसरे वाले केस में
इन्हीं चार पोजीशन से, दूसरे वाले केस में इन्हीं चार पोजीशन से सेम जुड़ा है कि डिफरेंट जुड़ा हुआ है, वहां उन चार पोजीशन से ऐसा डिफरेंट जुड़ा हुआ है? यह सुनो, देखो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन आ गया है भैया, और यहाँ इसमें ऐसा आयोडीन आ गया है, और साथ में ऐसा दूसरे वाले केस में यहाँ मेरे पास यू नो आ गया है हाइड्रोजन, है कि नहीं है वहां हाइड्रोजन? Yes. हाइड्रोजन भगवान के जैसा होता है, जहां कुछ नहीं होता वहां हाइड्रोजन है। हाँ. दिखता नहीं है बट होता है सब जगह, है ना? तो यहां ये मेरे पास काइरल है एंड इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो 36 वाले में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं ना ब्रोमीन? बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा, और मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, बहुत सारे तरीके हैं समझने के जिससे तुम्हें जल्दी से विजुलाइज हो जाए, बस ये समझो है ना, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही ना, पक्का है ना? और 37th में हम लोग ना तो कोई POS खोज पाएंगे और ना ही कोई COS खोज पाएंगे। बच्चे 36, 37 एग्जांपल समझ के और लिखे हो गया तुम लोगों का? Yes sir, हो गया। Very good। ऐसा ही 38। भाई 38 और भी अच्छा है, देखना अभी। ये जो स्ट्रक्चर है क्या बोलते हैं इसको हम लोग? साइक्लोहेक्सेन, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, अब और क्या दिखा तुम लोगों को? हाँ, एक और चेयर फॉर्म देखिए। अच्छा, अब देखो क्या दिखा तुम लोगों को, एक और चेयर फॉर्म। अच्छा, देखना बंद हो गया। मतलब वो भी एक सिक्स मेंबर साइक्लिक रिंग है जैसा, ऐसा इमेजिन yes, ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि भाई ये 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 और कितने हो गए, चार साइड, ये पांचवा साइड, और डू यू थिंक ये छठा साइड हो गया इसका भी? yes, तो अब मैं ये है कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से मैं चेक करने की कोशिश करूंगा, बट कैन वी से ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ही है भाई। हाँ बच्चे, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते थे क्या कि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ही है? चलो इसको मैं थोड़ा सा और एकदम सीधी लाइन खींच देता हूँ, ऐसा एंड ऐसा। हाँ, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ही है कि नहीं है? हाँ. जैसे पहले का नाम प्रिज्मेन था, दूसरे का नाम क्यूबेन है, this is known as adamantane, it is known as adamantane. Now is adamantane mein suppose yahan juda hai, let's say black sea mein kar deta hu, yahan juda hua hai suppose a chlorine, yahan juda hai let's say bromine, yahan juda hai bromine और यहां जुड़ा है क्लोरीन, एक ऐसा है। 39 में जिस बच्चे से ड्रॉ नहीं होगा अभी, वो सीधा फोटो ही ले लेना उसका, है ना, अभी के लिए हाल फिलहाल। देखो ऐसा चेयर फॉर्म बनाया, एक चेयर फॉर्म हम लोगों ने यहां बना दिया, साइक्लोहेक्सेन हम लोग यहाँ। इस वाले स्ट्रक्चर में भी सपोज यहाँ मेरे पास क्लोरीन है, यहाँ मेरे पास ब्रोमीन है, यहाँ सपोज आयोडीन है, यहाँ लेट्स से फ्लोरीन है। डू यू थिंक द इस एडमेंटेन वाले स्ट्रक्चर में भी जैसा हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि क्या ये वाला जो सेंटर है ना, ये वाला जो सेंटर है इसको हम लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हैं क्या भैया
देखो ये सीएल एक है जो प्लेन से ऊपर जा रहा होगा, एक लेट्स से मेरे पास ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन, सिमिलरली यहाँ लेट्स से मेरे पास ऐसा कुछ आयोडीन यहाँ आ जाए, सॉरी ब्रोमीन जैसे यहाँ आ रहा है, और ऐसा ही एक और लेट्स से मेरे पास यहाँ क्लोरीन ऐसा आ जाए। अच्छा डू थिंक ये चारों पोजीशंस इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है? वन टू थ्री एंड फोर, ये जो चारों पोजीशंस हैं वो इक्विवेलेंट हैं और ये टेट्राहेड्रल जैसा दिखाई दे रहा है ना? तो फर्स्ट वाला एक्टिव कि इनएक्टिव? इनएक्टिव इनएक्टिव तो भाई इसमें, अच्छा इसमें थोड़ा अब वो सब विजुलाइज करने में बैंड बच जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना बट उसमें होगा, उसमें सिमेट्री होगा, और 39th में ये जो कंपाउंड है इट विल बी एक्टिव। वैसे मैं और 10 मिनट्स पढ़ाऊंगा, मीटिंग में ही रहना तुम लोग है ना। एक 30th वाला, सॉरी 40th एग्जांपल बच गया है, तो 39th वाला एक्टिव हो जाएगा, समझ लोगे भैया? यस सर। ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए है ना, और डिफरेंट डिफरेंट है इसमें। क्या ये समझ के हो गया है तुम लोगों का? हाँ सर। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब जब हम लोग इट इज 40th एग्जाम्पल, नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लेट्स से दिस मे बी एच हेयर, you know suppose CH3 going inside the surface of board and suppose ethyl coming outward, इसको मैं फिर मिथाइल ही लिख लेता हूँ। ये कंपाउंड में काइरल नाइट्रोजन है कि नहीं है? Yes. यहाँ मेरे पास काइरल नाइट्रोजन है, काइरल नाइट्रोजन, and do you think it is going to be sp3 hybridized here? Yes sir. Suppose isko main compound A bol deta, to ye jo amine hai, ye jo amine hai, it is going to be optically active ki inactive? Active. Active. Dekho samajhne ki koshish karo, although isme chiral nitrogen hai but experimentally this compound is found to be optically inactive. क्यों होता होगा? ध्यान से देखो, इसमें एक बीच वाला ट्रांजिशन स्टेट ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि नाइट्रोजन का ये वाला जो ऑर्बिटल है अब वो हाइब्रिडाइज है कि प्योर पी है? हाँ भाई, वो हाइब्रिडाइज है कि प्योर पी ऑर्बिटल है वो नाइट्रोजन का जिसमें लोन पेयर है अभी? हाँ ना, कुछ तो बोलो। अभी वो प्योर पी बन गया है ना, दोनों साइड इक्वल लोब हो गए इसके। प्योर पी। हाँ सर। तो ये जो स्ट्रक्चर है अभी, इट इज फाउंड टू बी लेट्स से सपोज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, तो बीच में यू कैन इमेजिन एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसा बन सकता था। इस ट्रांजिशन स्टेट में नाइट्रोजन का हाइब्रिड स्टेट क्या है, जल्दी से बता दो बेटा। Can we say यहाँ ये जो नाइट्रोजन है अभी वो sp2 hybridized है planar? Yes sir. अब ये देखो, वापस इसमें ऐसा कन्वर्जन हो सकता था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का अब इधर चला जाए एंड दिस विल बी लेट्स से क्या हो गया, एक कन्वर्जन होता कि वो क्या? अच्छा मैं सिखाता हूँ ना क्या है, थोड़ा देखो पहले भी। इसमें मेरे पास लेट्स से हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन लेट्स से यहाँ है एंड दिस इज यू नो मिथाइल एंड दिस इज नथिंग बट लेट्स से इथाइल। फिर से ये जो कंपाउंड है, इट इज ऑब्वियसली sp3 hybridized नाइट्रोजन,
और इसको मैं कंपाउंड बी समझ लेते हैं. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी? कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी में क्या रिलेशन है? कैन वी से वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है? Yes, sir. तुम लोग बोल सकते हैं कि ए एंड बी इनेंशियोमर है? हाँ यस. देखो अमन ने ये समझा कि इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं. जैसा ऑन दिस एक्सेस इफ इट इज गिव्स फ्री एनर्जी, ऑन दिस एक्सेस इट इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट. ऑन दिस एक्सेस इट इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट. सो ये जो टिपिकल ग्राफ है वो कुछ ऐसा, ये ए का गिव्स फ्री एनर्जी. Do you think B ka gives free energy will be exactly same? They should be equally stable. Pair of enantiomer. Yes, sir. और ये जो typical graph है वो कुछ ऐसा आ जाता. MS Chauhan GOC में दो question है इसके base पे. Yes. ये sp3 hybridize, ये sp3 hybridize और ये sp2 hybridize. और ये जो delta G था वहां उसने लिखा है डेल्टा जी हैश गिव्स फ्री एनर्जी चेंज कोरेस्पोंड टू एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज अमाइन इन्वर्जन. हां सर, डाउट से हम सीआर हम सकते हैं. यस सर. सो कैन वी से ड्यू टू अमाइन इन्वर्जन, ड्यू टू अमाइन इन्वर्जन given compound exist as racemic mixture? Yes, due to amine inversion given compound exist as racemic mixture. और होना भी चाहिए ना racemic mixture. जैसा जब A B में convert होगा तो कैन वी से डेल्टा जी नोट ऑफ दिस रिएक्शन इज जीरो. मैं जितना प्रोडक्ट का गिव्स फ्री एनर्जी है उतना ही रिएक्टेंट का गिव्स फ्री एनर्जी है. यस सर. तो कैन वी से इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो जाता है, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आरटी लॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? यस सर. एंड दस भाई ये जो भी हम लोग साइंस पढ़ते हैं, अगर पूछा जाए कि कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव तो क्या बोलोगे उसको? तो अगर मुझे एक्सपेरिमेंटली वो इनएक्टिव है तो वो कंपाउंड इनएक्टिव ही है, ऑल्दो उसमें काइरल नाइट्रोजन प्रेजेंट है. क्या बच्चों ये एग्जांपल समझ के हुआ है तुम लोगों का? Yes. अभी हम लोगों के दो और क्वेश्चन बच गए हैं. ये तो एक क्वेश्चन हुआ है ना, अभी हम लोगों के दो और क्वेश्चन बच गए हैं. एक क्वेश्चन है कि भाई गिवन कंपाउंड के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं और उसमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और एक बच गया है. क्या उसमें बहुत बैंड बजे? हाँ वही भाई, 2^n, n-1 वो सब करना पड़ेगा उसमें, है ना. और एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग का बच गया है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव को लेकर. मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ इस वीक में खत्म कर लूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली खत्म नहीं हो पाया. कल मैंने प्लान किया था डाउट सेशन का वैसे, बट क्वेश्चंस कर लेंगे. कल ब्लू हाउस भी साथ में होगा अनफॉर्चुनेटली, है ना. पहले मैंने प्लान ये किया था कि सब खत्म हो गया होगा, दोनों कंबाइन करके डाउट डिस्कस कर लूंगा, है ना. सर उनका अटेम्प्ट करने के लिए टाइम चाहिए ना सर, सब कुछ. क्या आपने आज खत्म किया था, अटेम्प्ट करने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए. अबे तो पूरा दिन था आज. चलो फिर भी मैं कुछ तो भेजूंगा तुम लोग को सॉल्व करने के लिए आज. हाँ ठीक है. आज एटलीस्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है इससे रिलेटेड तो करो भाई. यस हाँ. तो ये अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है इसके सिर्फ इसके बेस पे
देखो रेड हाउस एंड नॉन एंटिटी कहाँ गया भाई, नॉन एंटिटी को तो भेजा था मैंने, तो मॉड्यूल से दे दो ना असाइनमेंट की जगह। ठीक है मॉड्यूल नेक्स्ट वीक में फिर पूरा ही कर ले ना, उसमें क्या है ना, या अब तुम लोग मॉड्यूल भी पूरा सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो बेटा, तुम लोग चाहो तो मॉड्यूल जितना हो जाए उतना सॉल्व कर सकते हो। ये लो देखो मॉड्यूल के बारे में भी बोल देता हूँ भाई, लोग तुम लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए। एक किसको भेज दिया मैंने इमेज, खत्म कर दे। हाँ बिल्कुल खत्म कर सकते हो, और देखो सकते हैं। हाँ और देखो ये असाइनमेंट भी भेजा है मैंने, ऑप्टिकल आइसोमर्स आइडेंटिफाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, 40 एग्जांपल्स मैंने करा दिए हैं तुम लोगों को और 78 एग्जांपल्स और भेजे हैं, है ना। ये सब बहुत आसान आसान वाला, फिर से वही है ना, यस नो और पीछे आंसर की भी साथ में है ना। ठीक है तो मॉड्यूल को पूरा कंप्लीट करना है बेटा, मॉड्यूल पूरा कंप्लीट कर सकते हो है ना, तो कल आप डिस्कस करोगे कल, ऑब्वियसली पहले आधे लेक्चर में ही सर, तो कल तक नहीं हो पाएगा मॉड्यूल। हां जितना कर सकते हो जितना कर सकते हो सर, आज और भी क्लासेस है। हां मैं भाई तो बोल रहा हूं जितना तुम कर सकते हो, तो कुछ नहीं हुआ तो ये ऑप्टिकल वाला तो खत्म करो, वो कर दो सर, वो हो जाएगा, वो तो पॉसिबल। ठीक है सब बात, ऑप्टिकल ऑप्टिकल वाला खत्म कर लो बच्चे, जैसे नेक्स्ट वीक मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे कल, और नेक्स्ट वीक फिर मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे और रिएक्शन मैकेनिज्म नाम का चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ओके सर, मैं शॉन भी कर पाएंगे ना? हां इसका अब जो भाई आइसोमर जो चैप्टर हम लोग करके हो जा रहा है उसका एमएस चौहान हिमांशु पांडे और ये खत्म करो, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा असाइनमेंट डीपीटी जैसे जीओसी के डीपीटीज थे भाई, ऐसे आइसोमर के डीपीटी भी होते हैं। हाँ सर, अगले हफ्ते के बाद भेजना सर। हाँ करते जाओ खूब सॉल्व करते जाओ, है ना। ओके सर बाय, चलो बाय बच्चों, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर। मॉड्यूल की हार्ड कॉपी तुम लोग के सेंटर्स पे पहुंच गई है, आज नहीं तो कल कुछ सेंटर पे पहुंच जाएगा। नेरुल वाले बच्चे तो पक्का पक्का कलेक्ट कर सकते हैं, नेरुल पे सेंटर पे है मॉड्यूल 5 मॉड्यूल 6 है ना, क्या मैसेज मिला तुम लोगों को? यस सर। हाँ और आज या कल में खारघर में भी पहुंच जाएगा बेटा, है ना। अच्छा ओके सर, नेरुल में तो सब आ चुका है, नेरुल में आ चुका है, अंधेरी में डिलीवर हो चुका है, कांदीवली बोरीवली में डिलीवर हो चुका है, मीरा रोड पे डिलीवर हो जाएगा, मतलब आजकल में सब जगह डिलीवर हो जाएगा। अच्छा ओके सर, मॉड्यूल 5 मॉड्यूल 6 दोनों है ना कलेक्ट कर ले सकते हो तुम लोग। ओके सर, चलो बच्चों बाय, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।